में 10 प्रो प्लस डिवाइस यूज करते हैं तो फाइनली यहाँ पे मैक अपडेट जो यहाँ पे रोल आउट हो चुका है रियलमी 10 प्रो प्लस 5G डिवाइस के यूजर्स के लिए। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ क्या क्या फीचर्स मिले। आपको पता है इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स में भी हमको देखने को मिल रही थी, बग्स वगैरह बहुत सारे देखने को मिल रहे थे। और यहाँ पे जो है तो चार्जिंग प्रॉब्लम को भी लेकर काफी ज्यादा हमको यहाँ पे जो प्रॉब्लम डिवाइस पे देखने को मिल रही थी तो फाइनली अपडेट यहाँ पे रोल आउट कर दिया गया है। अब इसमें क्या कुछ फीचर्स मिले हैं वो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाला हूँ। ऑल्सो वर्क होने वाला है इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो अपलोड करते मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो है रियलमी डिवाइस में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट रियलमी 10 प्रो प्लस डिवाइस के यूजर्स के लिए जो यहाँ पे रोल आउट कर दिया गया है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट में तो यहाँ पे आपको न्यू अपडेट जो देखने को मिला है जो कि रियलमी वाई 4.0 मिला है। आपको पता है एंड्रॉइड 13 के यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है और सबसे पहले मैं वर्जन की बात करूँ तो 8.29 पे ये वर्जन जो है रोल आउट किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, चार्जिंग वगैरह का जो इशू आ रहा था वो भी मैं अभी जो है डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल जितने सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे अपडेट के जो वर्जन के बारे में तो 8.29 का वर्जन है। और बात करें फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच का लेटेस्ट फीचर जो प्रोवाइड करवाया गया है जो कि अप्रैल मंथ का है। बात करें नेटवर्क स्पीड से रिलेटेड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पे जो भी कुछ प्रॉब्लम थी उसको यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश की गई है। सिम कार्ड इश्यू जो चल रही थी उसको लेकर यहाँ पे फिक्स करने की बिल्कुल कोशिश की गई है। सिस्टम की जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ बग्स को भी डेफिनेटली तरीके से यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश की गई है। अब हालांकि अभी तो हमने अपडेट नहीं किया है, अब अपडेट के बाद चार्जिंग का जो यहाँ पे इशू है वो यहाँ पे देखना है कि चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे शॉर्ट आउट होता है या फिर नहीं होता है। बट फिलहाल से होपली जो है टीम ने जरूर सुधार भी किया हुआ चार्जिंग के ऊपर भी और हो सकता है क्योंकि देखिए बग वगैरह चार्जिंग को भी लेकर आ रहा था इशू। ठीक है, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट को अपडेट कर लिया जाए तो यहाँ पे पहले जो सॉफ्टवेयर अपडेट में जो प्रॉब्लम आ रही थी मतलब चार्जिंग को लेकर या फिर कोई बग वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो हो सकता है कि यहाँ पे फिक्स किया गया हो रियलमी की तरफ से। बट कभी आपको पूरा रिव्यू जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। फिलहाल से देख सकते हैं ये पूरा रियलमी वाई जो है 4.0 का लेटेस्ट वर्जन जो है यहाँ पर रोल आउट किया गया है तो होपली इस वीडियो थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड हो गई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।